दिल्ली एनसीआर में फिलहाल शीतलहर जैसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन जोरदार ठंड पड़ने की वजह से कपकपी छूट रही है। साथ ही सर्द हवाओं की वजह से भी ठिठुरन बढ़ सी गई थी। हालांकि अब हवा की रफ्तार कुछ कम हुई है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। आने वाले दिनों में भी दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ठंड में मामूली कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से मौसम करवट लेगा। 28 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 4.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 29 से 94% रिकॉर्ड हुआ था। इस बीच अब कोहरे का असर लगातार दिखाई देगा। वहीं अगर आज की बात करें तो आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है दिल्ली एनसीआर में। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, दिन में धूप निकलेगी लेकिन बीच बीच में बादल भी दिखाई देंगे। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में आसमान में बादल छाए रहने का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। यहीं से बात करें अगर गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है और गुरुग्राम में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ता जा रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI आज गुरुवार को 413 दर्ज किया गया है और इसे गंभीर श्रेणी में माना गया है। वहीं नोएडा का AQI बहुत खराब बताया जा रहा है और 353 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं गुरुग्राम में भी AQI 338 है और बहुत खराब श्रेणी में बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।